बिहार में देखते ही देखते बड़ा सियासी उलटफेर हो गया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह की छुट्टी हो गई। ललन सिंह का इस्तीफा अचानक नहीं हुआ है, इसकी पटकथा महीनों पहले लिखी जा चुकी थी। दरअसल पार्टी की कई बैठकों से ललन सिंह गायब रहे थे। ललन सिंह और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के बीच तुतुमेमे की खबर सामने आई थी। ललन सिंह ने अशोक चौधरी को बरबीघा का दौरा करने से मना किया था, लेकिन वे नहीं माने। इसके दो दिन बाद ही अशोक चौधरी तामझाम के साथ बरबीघा पहुंचे। इसके बाद अशोक चौधरी को जमुई के प्रभारी मंत्री से हटा दिया गया। हालांकि नीतीश कुमार अशोक चौधरी के साथ मजबूती से खड़े रहे। ललन सिंह की मनमानी पर शिकंजा कसने की तैयारी लंबे अरसे से चल रही थी। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार को लगातार ललन सिंह के अड़ियल रवैये की शिकायतें मिल रही थी। इसके कारण वे पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल कायम रखने के लिए ललन सिंह को दरकिनार किया गया। अब नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी की कमान संभाल ली है और अब टिकट बंटवारे की सारी जिम्मेदारी नीतीश कुमार ने हाथों में ले ली है। ललन सिंह के अध्यक्ष पद से हटने के बाद पटना में जेडीयू वर्करों ने रंग गुलाल उड़ाया। जेडीयू के वर्कर ललन सिंह से इतने नाराज थे कि उनके हटने से उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। नीतीश कुमार मत घबराना। वही अब 14 जनवरी के बाद नीतीश कुमार के फिर से यूटर्न मारने की चर्चा तेज हो गई है। हो सकता है कि लोकसभा चुनाव से ऐन पहले नीतीश कुमार फिर से एनडीए में शामिल हो जाए। बताया जा रहा है कि जेडीयू के ज्यादातर सांसद बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ललन सिंह बीजेपी और जेडीयू के बीच लगातार खाई पैदा कर रहे थे। अब ललन सिंह के अध्यक्ष पद से हटने के बाद नीतीश कुमार एनडीए में वापसी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, QIU नेटवर्क।